हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं मित और एक और नए वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं जो कि इस प्रकार का है। इसमें मोशन ट्रैकिंग इस इफेक्ट का नाम है, जिसमें कि आप कोई भी चीज़ लिखोगे या कोई ग्रीन स्क्रीन लगाते हो उसको ट्रैक करके इधर से उधर कर सकते हो। तो इस इफेक्ट को हम कैसे बनाएंगे, साथ में इसमें स्टेटस भी है, तो इसी को हम जानेंगे। बहुत ही आसान तरीका, एक बार आप समझ गए तो इस वीडियो को बनाना आसान हो जाएगा आपको। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल जानते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो इसका ट्यूटोरियल जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई वीडियो को सुझाव देना है, कुछ पूछना हो, तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आइए, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ काइनमास्टर ऐप में। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो कैसे बनाना है इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार समझ गए तो अच्छी तरह से इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। प्लस पे टैप करना है, 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है। अब आपको कैसा भी करके क्लिप शूट करना है, मोबाइल के नॉर्मल कैमरे से वीडियो शूट करना है, या तो आप सॉन्ग पे लिपसिंग कर लीजिए, उस प्रकार का एक्ट कर लीजिए। तो मैंने जो यहाँ पे शूट किया है सो 3 क्लिप शूट किया है, तो मीडिया में चलते हैं और जो मैंने शूट किया उसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्लिप सेलेक्ट करते, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से, और ओके करते हैं। यहाँ पर क्या करना है सो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस प्रकार से मैंने शूट किया है। सो पहले हम देख लेते हैं, और इस प्रकार से हो गया। फिर दूसरा में यहाँ पे इस प्रकार से एक्ट किया है, और तीसरा में सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस जो है साउंड ऑफ करना है, क्योंकि बाहर का साउंड आ जाएगा। और इसे हम रोटेट भी कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे कैमरे से मिररिंग हो जाता है। और यहाँ पे इसको भी सेम काम करना है, तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार रहेगा सो अच्छा साउंड समय बंद करना है, इसका भी हम कर लेते हैं। और यहाँ से रोटेट एंड मेडिटिंग कर लेते हैं, और इसका भी साउंड ऑफ करते हैं। इतना हो गया, तो अब हम क्या करना है, ओके करना है, शुरू में आना है। अब आपको साउंड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अगर या तो यही साउंड पे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो साउंड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो और कोई भी सॉन्ग है जिस पे आप बनाना चाहते हो उसका ही सॉन्ग यहाँ पे लगाना होगा। तो लेयर में चलते हैं, मीडिया में चलते हैं, और जो सॉन्ग आप यहाँ पे लगाइएगा सो मैं निकाल लेता हूँ। और ऐसा बनाते हैं तो ये भाई का वीडियो था। यहाँ पे सीजर पे जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को डिलीट कर देना है। सॉन्ग आ गया, वीडियो डिलीट। अब सॉन्ग मैं नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी आपको बताऊँगा बना के। तो यहाँ पर क्या करना है सो देखिए, इस प्रकार से एक्ट हो रहा है, तो जहाँ पर वीडियो ख़त्म हो रही सो देखना है हमें, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यहीं पर हमें क्या करना है, सीजर पर जाना है और राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है। अब ओके करना है। अब इसमें देखना कहाँ से एक्टिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक्टिंग इस प्रकार से कर रहा हूँ, थोड़ा आगे करना है, इतना पे हम यहाँ पे रखना है, और लेफ्ट साइड को ट्रिम करना है, क्योंकि इस साइड में कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फिर से देख लेना वीडियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इतना पे राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे और ओके करेंगे। अब इसमें देखना इसका भाग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर काटना हो तो काट सकते, वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है मान के चलिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और ओके करेंगे यहाँ से। इतना करने के बाद अब क्या करना है देखिए, यहाँ से बैक आते हैं, सब में ट्रांजिशन एक देना है, ट्रांजिशन वाले पर टैप करना है, क्लासिक ट्रांजिशन में जाके फिर थोड़ा इस पर जाना है, काले रंग का सिलेक्ट रहेगा, और इसका टाइमिंग 0.5 रख सकते हैं। और यहाँ से फिर इसमें भी वही काम करना है, तो क्लासिक ट्रांजिशन में जाकर फिर थोड़ों में 0.5 सेकेंड रख लेते हैं या उससे अधिक, इस प्रकार से, और ओके करते हैं। अब इतना हो जाए तो बैक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है सो देखिए, उस तरह के लगाने के लिए तो सबसे पहले तो आसान तरीका मैं एक बताऊँगा, जो कि इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं हाथ इतना पर रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है, और आपको एक डाउनलोड करना है। आप में नहीं होगा तो यहाँ पे गेट मोर है, नेट ऑन रखिए, डाउनलोड कर दीजिएगा। कौन सा सो मैं आपको दिखाता हूँ, 3D हर्ट नाम का होगा, इसी में से सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से हम हर्ट वाला को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है सो देखिए, यहाँ पे जहाँ पे पहले लास्ट होता है सो देख लीजिए, क्योंकि तभी मिलेगा बराबर। तो यहाँ पर लास्ट हो रहा है, तो हमें इतना छोटा कर लेना है इधर, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और इसका इन एनिमेशन देना है, तो दे सकते हैं फेड कर लीजिए, और इसका टाइमिंग बहुत ही कम रखेगा। और यहाँ से आउट एनिमेशन भी इसका दे सकते हैं फेड, यहाँ से इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे एक का कर देते हैं और ओके करते हैं। अब इतना हो जाए तो यहाँ पे फिर क्या करना है, इसे शुरू में आना है और वहाँ पर रखना है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो हाथ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर जो की का ऑप्शन आ रहा है इस पर जाना है, और इसको क्या कीजिएगा, दोनों फिंगर से ऐसे जूम कर लीजिएगा जो कि मिलाने में अच्छा रहे, और इस प्रकार से हो जाए। तो यहाँ पे आना है अब शुरू में। अब देखना जैसे जैसे हाथ जाता है ऊपर, ऐसे गया ऊपर, तो प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है हाथ के ऊपर, और इसे छोटा करना है हाथ के अनुसार कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है,
फिर प्लस करेंगे और ऐसे करके यहाँ से फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे आगे बढ़ाना है और यहीं पे सही है, तो यहीं पे थोड़ा सा मतलब कि अच्छा से मिला लेते हैं, इतना था इतना ही रखते हैं, अच्छा से मिलाइएगा यानी कि ज़्यादा और छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, यहाँ पे तो सही है, फिर से हम कट गया तो यहाँ पे फिर से की पर जाते हैं और वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे सही है यहाँ तक आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे जाएगा, यहाँ पे इतना पे सही है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है और यहाँ से ऊपर उठाना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे फिर आगे जाना है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर से यहाँ से इसको उठा के ऐसे करना है और फिर आगे जाना है। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इतना, और फिर आगे यहाँ पे नीचे आ रहा है प्लस करना है, फिर से यहाँ पे ऐसे हम नीचे कर लेते हैं और आगे जाके यहाँ पे इतना पे रुक जा रहा है, प्लस कर देते हैं और फिर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इतना ही पे रखते हैं, ओके करते हैं। अब वीडियो को हम देखते हैं कि मेरा वीडियो जो इतना मैंने किया वो सही से आ रहा है या नहीं, तो हाथ के अनुसार जैसे जैसे मैंने उसको लगाया कि वैसे ऐसे चल रहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, देख सकते थोड़ा आगे भाग रहा है अपने आप ही, इसके लिए मैंने की नहीं लगाया था, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, की में जाकर फिर से एक प्लस करना है और जहाँ पे हाथ पे था उतना पे रख देना है जो कि सही से एनिमेशन हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अभी सही आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर दूसरा लगाने के लिए वैसा ही करना पड़ेगा, जहाँ से दूसरा हाथ आता है सो देख लेना है, तो यहाँ पे ये दूसरा हाथ आ रहा है, तो फिर से लेयर में जाना है और ओवरले में जाकर वही चीज़ यहाँ पे हम मैंने चेंज कर दिया था, 3D हट में ये वाला लगाया था वैसे ही करना है, और दो और हट वाला मिलेगा जो कि यहाँ से मैंने इसमें लगाया था, तो उसके लिए लेयर में जाकर मीडिया में जाना है और जो दूसरा हार्ट वाला लगाइएगा सो आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपको, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा जिससे कि आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और जो पहला है सो ए वाला है, ओके करते हैं, इसे क्या करना है यहाँ से ओके करना है और इधर खींचना है जहाँ से हरा रंग वाला दिखे उस प्रकार से, यहाँ से लगभग इतना पे रखना है और सीजर पे जाना है और लेफ्ट साइड को पहले ट्रिम करना है फिर बैक करना है और इस पे टैप करके रखिएगा, इधर आएगा थोड़ा खींच कर इधर ले आना है, तो यहाँ से हम खींच कर ऐसे ले आते हैं इस प्रकार से इधर, यहाँ पे लाने के बाद क्या करना है सो हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पे इसका लेयर ख़त्म होता है वहाँ पे हमें इसे कट करना है, इतना पे सीजर पे जाना है और राइट साइड को ट्रिम करना है, और इसमें तो वैसे साउंड नहीं है लेकिन फिर भी साउंड इसका ऑफ कीजिएगा और बैक करना है, यहाँ से बैक करने के बाद नीचे जाना है, थोड़ा हम पीछे आते हैं क्रोमा की में जाकर इसका ग्रीन स्किन हटा देना है कुछ इस प्रकार से, और ना मिले तो क्रोमा की चेंज कर सकते हो और ओके करना है, इतना हो जाए तो क्या करना है वैसे ही सेम की लगाना है, यहाँ से पहले ऐसे रखना है शुरू में क्योंकि इस साइड से आते हुए नज़र आएगा यहाँ पर, और ये जो की का ऑप्शन है इस पर प्लस करना है, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे प्लस करते हैं ऐसे और इधर यहाँ पे आप ऐसे बड़ा कर लीजिए जो अच्छा से दिखे इस प्रकार से इतना, फिर थोड़ा आगे जाना है और यहाँ पे तो पीछे जा रहा है जैसे कि मैं धक्का दे रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे कर दिया प्लस करते फिर से यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ से यहाँ पर लाना है, फिर थोड़ा आगे बढ़ा पीछे जाना है प्लस करना है, खींचते ऐसे हिसाब से जैसे हाथ मूव कर रहा है उसी प्रकार से भी आप कीजिएगा, यहाँ से फिर पीछे करते ऐसे और फिर यहाँ से इतना पे यहाँ पे आ जाना चाहिए थोड़ा सा इतना करते हैं प्लस करते हैं यहाँ से इस बार हम ऐसे खींच कर यहाँ लाते हैं, फिर थोड़ा आगे करते हैं और यहाँ से ऐसे करके प्लस करते हैं इतना पे, फिर आगे करते हैं यहाँ पे पीछे मैं इधर खींच रहा हूँ ऐसे करके यहाँ करना है, फिर यहाँ से ऐसे करना है अच्छी तरह से टाइम के साथ लगेगा और ओके करना है और यहाँ पे इतना पे कीजिए जैसे जैसे मैंने की लगाया सेम वैसा ही काम करना है, ऐसे करके देख सकते हैं उसी के अनुसार आ रहा है, तो अच्छे तरह से कीजिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर तीसरा में लगाना है, फिर वही जो एक और लिंक मिलेगा उसे लगाइएगा। अब बात रहती है कि इस पर जो सॉन्ग के अनुसार है वो टेक्स्ट कैसे लिखाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है देखिए, पहले आता है दिल, तो उस प्रकार से लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और सबसे पहले आपको दिल लिख लेना है जो कि इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और ओके करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से आएगा तो जहाँ पे रखना है उसे आप ऐसे रख सकते हो, तो यहाँ पे डबल ए का ऑप्शन आ रहा है इस पर जाना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो और भी अच्छा अच्छा है तो ये सब में भी खोज सकते हो, नहीं तो यहाँ पे नहीं और अच्छा चाहिए तो गेट मोड में जाकर आप नेट ऑन कीजिएगा आपको मिल जाएगा और ओके कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से बदल गया। इसका इन एनिमेशन किसी में नहीं दीजिएगा ना आउट एनिमेशन डायरेक्ट लिखना है, आउटलाइन यहाँ पे लगा सकते हो जो कि इस प्रकार से है और कलर भी ऊपर चेंज कर सकते हो, मैं बस इतना करूँगा और इसका यहीं जहाँ तक दिल ख़त्म होता है यहाँ पे मान के चलिए यहीं यहीं तक बोलता है दिल, तो यहीं तक हमें रखना है उससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो थोड़ा यहाँ तक आ रहा है कटने का तो यहाँ पे रखते हैं इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा रखिए तो टाइमिंग बराबर नहीं मिलेगा, और यहाँ पे दिल इस प्रकार से हो गया, फिर दिल को दिल से इस प्रकार से, फिर को लिखना है तो ऐसे ही टेक्स्ट में जाकर लिख सकते हो, तो आप ऐसे ऐसे करके बस वीडियो बन सकता है। तो आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।